देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है, और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि। जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए। इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें, और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। Well, it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K. Surendra Singh, and he fought all the wars. And he used to always say that Pakistan will never, never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. किस तरीके से बदला लेना चाहिए ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। 42 जवान्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अदर्स आर क्रिटिकली इंजर्ड। सो एसेंशियली देयर आर 42 फैमिलीज राइट नाउ हु आर इन मोर्निंग, एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इन यू नो ग्रीफ बिकॉज द जवान्स आर क्रिटिकली इंजर्ड। It's a severe dent in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to kis tarah badla lena chahiye. Wo hai hamare, we have a you know defense department in place, and it's a serious matter which you know needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should dwell in to right now. Ji. Thanks. I'm sorry because I feel very bad. मेरे हिंदुस्तान के जवान तो ये बहुत ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवोलस ना करें। यू इमेजिन दोस 42 फैमिलीज हुज सन्स हैव पास्ड अवे। इट इज़ एक्चुअली अ डे ऑफ मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। बट दिस इज वर्क लाइक दिस है, शो मस्ट गो ऑन। अंदर जाना। पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं, पूरा देश गुस्से में है। हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकियों के खिलाफ। आप एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं, और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। थैंक यू। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमला हुआ है। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं,
और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं, हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ होती है और हर देशवासी को तकलीफ पहुंची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिली इसको ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सिंटा के तरफ, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सिंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में, वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू, एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई होप स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट इट एंड वी जस्ट डोंट डू अवे विद जस्ट लाइटिंग कैंडल्स एंड वी डू मोर अबाउट इट। एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में। हम अपनी परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें। अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता, ये मैं हमेशा सोचती हूँ। और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है वो मतलब खर्च ना हो, ऐसे ही ज़ाया ना हो। थैंक यू। जी हाँ सर, पुलवामा में अटैक हुआ है। ये बहुत दुखद बात है और हर बार हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ टेबल पर बातचीत जो है, इससे आगे की बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत बहुत ही बुरा दिन है आज का, मतलब इट्स अ सैड डे टुडे। कभी भी कोई अटैक जब होता है तो ऑफकोर्स वो दुखद ही होता है एंड नहीं होने चाहिए, ये कहकर हम बात को टाल नहीं सकते बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बातें करने से कि हम करेंगे या होगा, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन इंडिया शुड स्पीक अप। अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है। एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें 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 बहुत हो गई है एंड आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से माने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर वही फिर दोस्ती की बात होती है फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है फिर अटैक हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए और ये टेररिज्म और ये मार धाड़ ये किलिंग ये सब ख़त्म होनी चाहिए। देखिए भाई पहले तो यही बात हुई थी जब ये सरकार आई थी, इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बार बार ऐसे ही होता है, दोस्ती की बात करते हैं फिर कोई अटैक आ जाता है, फिर दोस्ती की बात करते हैं फिर अटैक आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसका सोल्यूशन ऑफकोर्स कोई भी सोल्यूशन, चाहे अटैक चाहे नेगोशिएशन चाहे जो भी है, ये टेररिज्म ये किलिंग ये ख़त्म होनी चाहिए। कल मैं पूरा दिन बाहर थी, यूजुअली आई रीड दिस थिंग्स ऑन ट्विटर, बट जब मैंने आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली लेट लास्ट नाइट टुडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड अबाउट इट आई वाज वेरी शॉक्ड। तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पर आ चुकी थी और यू नो द काउंट ऑफ सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देन द होल पॉलिटिकल ब्लेम दैट हैपेंस,
But all in all, I think it's very shocking, very... It really hit me. Like, for some time, I read and I just didn't know how to react. And that's a... I mean, CRPF jawans who are... मैं कश्मीर बहुत जाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. एंड द होल सिटी इज़ लाइक यू नो, देयर सीआरपीएफ जवान्स एवरीवेयर इन द स्टेट. एंड दिस वाज, मतलब कोई कैसे, कोई कह भी नहीं सकता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा. एंड ऑफ दिस डिग्री, आई रियली होप दैट दे गेट जस्टिस. आई माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली. आई थिंक इससे ज़्यादा हम कुछ कह रहे हैं कि पोजिशन में ही नहीं है. It's obviously extremely shocking, very disheartening. In fact, aaj pure din, matlab I was in, I mean, you know, kaun se din pe in logon ne aisa kiya. The whole world is celebrating 14th February as a love day, a Valentine day. And Valentine necessarily does not mean love for your lover. It means love for everybody, love for humanity. What have they done and why have they done it? But all said and done, I mean, you know, we are helpless. We are here, and I can only say that my condolences to the families of the jawans. And because they are there, we are safe. So all that one can say is thank you so much. Haath jod ke. Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what aaj jo kuch bhi hua hai, that is really, really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है. बहुत दुखद निंदनीय है ये. एंड वॉट एवर द गवर्नमेंट एंड द डिफेंस पर्सनल दे हैव टू डू, दे विल डू द नीडफुल, बिकॉज यस, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रियली रियली सैड. थैंक यू. अभी हुआ है लगता है जब यू नो वायलेंस होता है और हमारे जवानों की जान जाती है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट करना चाहिए. तो ऑफकोर्स आई मीन किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है. तो पहली बार में अभी आपने मुझे खबर दिया है, तो मुझे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ. और 18 से 20 CRPF के जवान मार दिए गए. मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला, तो मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या बताएं, ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना. और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा. मतलब जो हुआ, लाइक सर सेड, बहुत ख़राब हुआ. हमारे 18 से 20 CRPF के जो जवान थे वो शहीद हो गए. And I also strongly believe कि हमें इसका जवाब देना चाहिए in whatever way, in dialogue, in conversation, या कोई किसी भी और तरीके से. But I think we should, I strongly condemn it, and any form of violence is bad. Thank you. हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था, मुझे किसी ने पहले पूछा था. As you know कि हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ celebrate कर रहे हैं. ऐसे चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवलिसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए. मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है. आई एम अ भाट एट हार्ट, आई हैव गॉट महेश भट्स ब्लड फ्लोइंग थ्रू माय वेन्स, एंड बोथ ऑफ अस डू नॉट शाय अवे फ्रॉम ट्रूथ. अनकंफर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछें, मैं दिल से बोलूँगी. मगर इस चीज़ के बारे में, इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि व्हेन लाइव्स आर एट स्टेक एंड वी टॉकिंग अबाउट आवर जवान्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, यू गॉट टू थिंक, you have to understand before you just use these platforms to make comments. That's it. Thank you. This is very understandable. I know about it, as Pooja ji says, I follow her, so once I get to know about it, I will make a comment on it.